देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में नानी के घर पढ़ाई करने आई एक नाबालिग बच्ची के साथ एक वहशी हैवान मामा ने रिश्ते को तार तार करते हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत के बाद प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के मालवीय नगर में रहने वाली एक पीड़ित नाबालिग बच्ची के परिजनों ने थाने पर आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वो बाहर से आकर पढ़ाई इंदौर में अपनी नानी के घर पर ही थी। इस दौरान सगे मामा ने बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसे डराने धमकाने लगा। जब बच्ची ने अपने घर पे अपने परिजनों को बताई ये बात तो थाने पर आकर परिजनों ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कराया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी संजय मामा को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई, जिसे माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। महिला अपराधों को लेकर संवेदनशीलता से कार्रवाई करने के लिए माननीय DCP साहब और कमिश्नर महोदय द्वारा निर्देश किया गया है। इसी के तहत एक नाबालिग बालिका द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि वो जब पढ़ाई करती थी तो जब छोटी थी यहाँ पर रहती थी तो अपने जो रिश्तेदार था निकट संबंधी था उसके साथ में पढ़ाई लिखाई के बहाने आता था, उसके शारीरिक शोषण करता रहा, डरा धमका कर काफ़ी समय से कर रहा था। रिपोर्ट जब उसने अपनी माँ को दी, उसकी माँ उसको रिपोर्ट लेके आई, रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया 306 का और पॉक्सपोर का, और उसके बाद में आरोपी जो उसका रिश्तेदार था उसको भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रहता था इंदौर से, वहाँ से उसको 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, उसने डराया धमका था, जब पहले क्या था वो जब डरने डरा धमका कर ही करता रहा था। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।